नमस्कार आदाब, आइए अभी बनाते हैं हम मेथी मटर मलाई। और मेथी मटर मलाई ढाबा स्टाइल बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने पानी गर्म कर लिया और उसमें तीन मैं प्याज कटी हुई डालूंगा। और ये जब तक नरम नहीं हो जाएंगे तब तक हम इसको बॉईल करेंगे। और इसमें डालेंगे 20 से 25 ग्राम काजू किशमिश ऐड कर देंगे और इसको नरम होने तक हम बॉईल करेंगे ताकि इसकी एक अच्छी सी पेस्ट बना सकें हम। आइए 10 मिनट तक बॉईल करने के बाद अब हम इसको पानी निकाल के इसके पेस्ट बना देंगे, गैस बंद कर देंगे। तो इस तरह से इसमें से हमने पानी निकाल दिया है, जो भी वाटर है एक्सेस वाटर निकाल के अभी हम इसकी एक ग्राइंडिंग जार में लेके पेस्ट बना देंगे। आइए ब्लेंडिंग जार में मैंने ये जो है हमारे ऑनियन और काजू को ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जो मसाला है गरम मसाला हमारा वो डालेंगे। एक कुछ सिनेमन स्टिक है, 5 ग्रीन इलायची, कार्डमम और कुछ ब्लैक पेपर और 4 क्लोमिन लौंग है। अब इसमें डाल के इसको ग्राइंड करके एक अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे हम। आइए अभी कढ़ाई में मैंने जो है तेल गरम कर लिया है, सेम पैन लिया है और एक पंच मेथी मैंने थोड़ा सा 60-70% बॉईल कर लिया था पहले से ही, तो अब ये इसमें ऐड कर देंगे हम। और डालेंगे 1 टीस्पून के आसपास जीरा इसके अंदर। और जीरा डालने के बाद ये 2 टीस्पून के आसपास जिंजर खाली, अदरक डालेंगे हम। गैस को लो फ्लेम पे मैंने रखा है यहाँ पे और एक बार मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। और 3 से 4 मिनट तक इसको हम अच्छे से कुक करेंगे। आइए 2 मिनट के बाद ये जो है ग्रीन चिली पिसी हुई बारीक फाइनली चॉप की थी इसको मैंने पेस्ट बना के कम्प्लीट कर लिया था। अब ये इसके अंदर इसको भी अच्छे से चला लेंगे। आइए 3 मिनट के बाद मेथी हमारी अच्छे से हो चुकी है कुक। अब इसमें हम वही पेस्ट मिलाएंगे जो हमने ग्राइंड करके रेडी की थी। आप चाहे तो इसको छान के निकाल सकते हैं क्योंकि अगर अपना टेस्ट ख़राब ना हो जो इसमें हमने गरम होल स्पाइस गरम मसाला डाला है, तो आप इसको फिल्टर करके भी डाल सकते हैं। आइए अब इसमें हमारा जो ड्राई मसाला है अब वो भी एक एक करके डाल देंगे। ज़्यादा मसाले डालने नहीं है इसमें, ये थोड़ा सा हम टर्मरिक पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड जीरा पाउडर इसमें ऐड करेंगे। नथिंग इसके अलावा हम और कुछ नहीं डालेंगे। सॉल्ट जो है वो बाद में डालेंगे और एक बार चला लेंगे। लगभग 2 मिनट हो चुकी है कुक करते हुए। अब जो हमारा ग्रेवी में जो बच गया था थोड़ा सा मसाला उसमें पानी डाल दिया था, ये थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें। आइए कुक करते हुए 2 मिनट हो गई है। अब इसमें हम 100 ग्राम जो है ये ग्रीन पीस मटर ऐड कर देंगे और इसको भी एक बार अच्छे से चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। मेथी मटर मलाई ढाबा स्टाइल बहुत ही प्यारी डिश है, एकदम रिच और शाही ये जो है रेसिपी है। ये 1 मिनट के बाद अपने हम नमक ऐड करेंगे, ऐड टू टेस्ट, अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम जो है नमक भी ऐड कर देंगे यहाँ पे और इसको भी एक बार चला लेंगे। और ऐड करेंगे अब इसमें 1/2 कप जो है मिल्क। अच्छा मिल्क भी आप अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिल्क डाल दिया है और मिल्क डालने के बाद दूध डालने के बाद इसको और 1-2 मिनट तक हम और कुक करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी निकल जाए। ये देखिए कितना नाइस रिच और थिक ग्रेवी बन गई है, अट्रैक्टिव और बहुत ही एरोमेटिक जो है ये डिश है। आइए 2 मिनट के बाद हम इसमें 1/2 टेबल स्पून के आसपास शुगर ऐड करेंगे। अच्छा ये भी आप स्किप कर सकते हैं मगर थोड़ा सा स्वीटनेस हो तो ज़रा मज़ा आएगा।
और ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे गरम मसाला थोड़ा सा लाइट, और इसमें ऐड करेंगे अब ये क्रीम, फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। इससे कि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। लगभग 50 ग्राम मैंने क्रीम यहाँ यूज की है, और 3-4 मिनट तक और कुक करेंगे इसको। ये क्रीम और काफ़ी सारा मसाला डालने के बाद हमने 1 मिनट तक और कुक किया था। अब एकदम हमारा जो है मेथी मटर मलाई रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल एकदम रेडी है। अब गैस को बंद कर लीजिए और इसको उतार के गरम गरम सर्व कीजिए। सर्विंग बाउल में हम निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही नाइस रिच एंड थिक ग्रेवी है और बहुत ही मज़ेदार डिश है ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी।